ये भजन सिकड़ी का कार्यक्रम आपके गांव खटौटी में आयोजित किया जा रहा है। ढोलक पर संगति कर रहे हैं आदरणीय बड़े भाई गौरव फौजदार मोरली जनुथर के निवासी, झीका पर झनकार दे रहे हैं आदरणीय हमारे बड़े भाई घनश्याम जी भरतपुर निवासी, और पैर पर अपनी संगति कर रहे हैं आदरणीय बड़े भाई मुरारी जी उत्तर प्रदेश निवासी। इस साउंड का आगाज कर रहे हैं ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कार्यकर्ता भाई पंडित रोहतास, डीजे साउंड सर्विस जनुथर की तरफ से, और आइएगा आपकी नन्ही सी बालक इंद्रेश गुर्जर की तरफ से एक और धमाका। प्रेमी सजनों, सबसे पहले मेरा सरस्वती माँ के चरणों में, जो भी यहाँ पर मेरे पितातुल बुजुर्गन बैठे हुए हैं, आवाज को सुनती मेरी मातृशक्ति, सभी के चरणों में आपकी नन्ही सी बालक कुमारी इंद्रेश सिंह गुर्जर की तरफ से प्यार भरी राम राम साहब नमस्कार जी। चाचा जी राम राम तो ले लो साहब। सरदारों, बड़ी सुंदर व्यवस्था है और आपकी इस बस्ती में पहली बार प्रवेश किया है, यह हमारा सौभाग्य है। लेकिन विचार कीजिएगा, जैसा कि आदेश मिला है, कभी अपनी कलम को उठा करके और बड़े प्यारे शब्दों में बड़ी सुंदर बात लिख रहे हैं, विचार कीजिएगा कैसे। और ये नंद को लाली फिरा रहे डोरी, आज सुगड़ी सी बिने कुंज गलन में सो बाबा अरज गई चाकी रे समय डोरी। लेकिन लिखा गया कि मैं सोलगी सुर जा बनी और नंद के लाला ने कह लई गोरी, आज वाई दिना की प्रीत जुड़ी और ना बाबा खूटत गांठ ना टूटत। सजनों, विचार कीजिएगा, एक समय जब राणा ने मीरा के लिए जहर का प्याला भेजा, तो आज वो मीरा उस यदवंशी को, उस मुरली मनोहर को टेर रही है, पुकार रही है, और वो यदवंशी मीरा से कह क्या रहे, विचार कीजिएगा बड़ी सुंदर बात कैसे। कहा और काहे तेरी अखियों में पानी, और काहे तेरी अखियों में पानी, ए मीरा क्यों चिंता करती है तू, तेरे लिए जहर का प्याला ही तो दिया है ना, तो हंसते हंसते पी जा, क्यों, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। और सरदारों, एक बार निवेदन है, सुस्ती खोल के फुर्ती में आ जाओ और जयकारे के साथ आनंद लेना, ये कार्यक्रम का आगाज है।
बोलिए गिरिराज महाराज की। लिखा कैसे? और काहे तेरी अखियों में पानी, और काहे तेरी अखियों में पानी, ओ कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी। विचार कीजिएगा, वो मीरा यदवंशी को याद कर रही है और हुआ क्या? कैसे? सुनिएगा कहा बताया और सबके लिए